तो भाई क्या हाल चाल आप सभी के, स्वागत करता हूँ भाई एक नए और ताजी फ्रेश वीडियो में। भाई मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, भाई देखो जो भी हमारे भाई लोग वीडियो को देख रहे, भाई आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास दो चार दस पांच मिनट अगर टाइम है ना भाई, इस वीडियो को आप जरूर देखना, क्योंकि भाई मेरी जितनी भी अभी तक मैंने वीडियो बना सबसे हट के वीडियो भाई प्रेडिक्शन तो बहुत ताबड़तोड़ है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले बोल दूं, सबसे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लाइनअप आने के बाद मैं अपनी फाइनल टीम उसी टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूं कि भाई जो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो भाई ज्वाइन कर लेना। क्यों ज्वाइन करना भाई, एक बार और बोल देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई देखो जो भी ट्रोन का अपडेट होता है पता चला, हाँ भाई ये प्लेयर नहीं खेलेगा, ये बॉलर करेगा, इसके ओवर कटेंगे, इसके ओवर नहीं कटेंगे, ये प्लेयर ऐसा, तो जो भी रहता भाई फटाफट हम जो काम करते हैं टेलीग्राम पे करते हैं। तो भाई ज्वाइन कर लीजिए, लाइनअप आने के बाद 10-5 मिनट पहले हम अपनी टीम को पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आप मौज करिए, आप इस वीडियो का अगर आप देख लोगे ना तो भाई मैं बोलूंगा टीम लेने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे आधा दूरा देखोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, या फिर आप जाओ टेलीग्राम पे, हमारा नाम सर्च करो रॉक क्रिकेट एक्सपर्ट 0106, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पे दिख जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर लेना। अब देखो भाई आज का बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है, हम मैं जानता हूँ हमारे सभी भाइयों के इसी दिन से इंतजार था कि भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन और भाई आपको जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर आप बहुत मिस किए होंगे इस वाले, मतलब काफी लंबा टाइम गैप हो जा रहा है ना भाई, टी ट्वेंटी होने के बाद काफी लंबा टाइम हो जा रहा है कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखे, लेकिन भाई वो दिन आ गया, आप फिर से देख सकते हो रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो मैं बोलूंगा इस वीडियो को फटाफट लाइक और सब्सक्राइब मार दो, और आप जानिएगा कि हम किस वीडियो की आज की मंच में बात करने वाले हैं। आज की अब हम बात करने वाले फर्स्ट टेस्ट मैच किसके किसके बीच में, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया के बीच में। भाई देखो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं आज की वीडियो में क्या क्या ज्ञान दूंगा जिसके कारण आप हमारी वीडियो देखेंगे और आप पैसा कमाओगे। तो भाई हर बंदे से एक रिक्वेस्ट है भाई वीडियो को देखिएगा जरूर, ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब मारना ना मारना बात की बात है, लेकिन इस वीडियो को देख के कुछ काम लिया फिर कुछ ज्ञान ले लेना। तो चलिए पहले हम आपको बता दें कि भाई इस वीडियो में आपको क्या क्या बताऊंगा, फॉर एग्जांपल के तौर पे भाई देखो प्लेइंग 11 टीम बताऊंगा, पिच रिपोर्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड बताऊंगा, प्लेयर प्रेडिक्शन बताऊंगा, कैप्टन वाइस कैप्टन बताऊंगा, फिर उसके बाद टॉस प्रेडिक्शन बताऊंगा, इतने सारे ओपिनियन, इतने सारे नॉलेज, इतने सारे टिप्स दे दूंगा कि भाई आप कहोगे हाँ भाई मौज करा दी तुमने, तो भाई मौज हो जाओगे। तो भाई ध्यान से वीडियो को देखिएगा, हर एक पार्ट हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, और आप मेरा नाम मेरा इंट्रोड्यूस जान लो भाई, देखो माय नेम इज अनुराग सानी, आई एम सेल्फ इंट्रोड्यूस, मैं बता दे रहा हूँ कि भाई ये जो मेरा चैनल आपको क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो मिलेगा और हर दिन ऐसा मिलेगा भाई, देखो बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट आज की, मैं तो ही बोलूंगा ध्यान सुनिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टेस्ट मैच भाई देखो न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया के बीच में कहां पे खेला जा रहा है, भाई देखो एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम इंडिया, भाई चिन्ना स्वामी सभी को याद होगा ये पिच, नहीं याद होगा तो भाई हम है आपकी पुरानी याददाश्त वापस ला देंगे, पिछड़ा हुआ दिन भी दिखा देंगे आपको, आने वाला कल भी बता देंगे, मिला जुला के वीडियो का आप देखना इंपॉर्टेंट रहने वाला। भाई यहाँ पे हम बात करने वाले किसके बारे में, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भाई आज के मैच में इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 टीम आज के मैच में आपकी क्या रहने वाली है। तो भाई यहाँ पे देख लो, रोहित शर्मा, अश्विनी जायसवाल, सुमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, लोकेश राहुल, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, जसप्रीत बुमराह, अक्षदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, भाई ये रहने वाली है आपकी इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 टीम आज की मैच की। तो भाई अगर आपको प्लेइंग 11 सुन के मजा आया, फिर शरीर में एक एनर्जी उत्पन्न हुई, तो भाई वीडियो को जरूर लाइक मारिएगा। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 टीम के बारे में, भाई आज के मैच में न्यूजीलैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 टीम क्या रहने वाली है। यहाँ पे देख लेना भाई, इनके चेंजिंग में आपको कुछ दिखेगा, लेकिन भाई मैं आपको एग्जैक्ट प्लेइंग 11 टीम भी बता रहा हूँ। भाई यहाँ पे देखो टैम लेथम, डेविन कॉनवे, केन विलियमसन, रचिन रवीन, डेरी मिचेल, टीम वेल और ग्रीन फिलिप, एम सेंटर, टीम साउदी, मैट हेनरी और भाई देखो कैरिज पटराजे रटेल, भाई ये रहने वाली आपकी न्यूजीलैंड की प्रबल प्लेइंग 11 टीम आज की मैच की। तो ये हमने आपको बताया कि इसके बारे में दोनों टीमों के बीच में हमने आपको डिस्कस कर लिया कि प्लेइंग 11 टीम ये टीम रहने वाली है आज के मैच में, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में, भाई जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम इंडिया का पिच है, इस स्टेडियम का मिजाज क्या रहता है, मतलब पूरा एनालिटिक्स आपको पिच रिपोर्ट के बारे में आपको दे रहा है, तो भाई ध्यान सुनिएगा इंपॉर्टेंट रहने वाला। भाई देखो पिच रिपोर्ट या पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूलन माना जाता है, भाई देखो अनुकूलन का अगर आप मन शब्द जानते होगे भाई बहुत ही अच्छा, अगर नहीं जानते होगे तो उससे भी अच्छा है, क्योंकि मैं बताऊंगा भी, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखो भाई ये जो एम चिन्ना स्वामी बेंगलुरु की पिच है इंडिया वाली, यहाँ पे देखो भाई काली और लाल मिट्टी का पिच है जो तेज गेंदबाजों को अच्छा
उछाल प्रदान करता है, ठीक है। और एक पे देखो इस पिच पर स्पिनर को मदद मिलता है, लेकिन यहाँ इस पिच पर क्या होता है तेज गेंद, सॉरी भाई, इस पिच पर तेज गेंदबाज को मदद मिलता है लेकिन स्पिनर को कुछ खास मदद नहीं मिलता, ठीक है। अब यहीं पे बात कर ले, यहाँ पर टॉस जीतकर दूसरी पारी बल्लेबाजी करना लाभदायक होता है। आपने समझा हमने आपको क्या पिच रिपोर्ट बताया? नहीं समझा तो भाई कोई बात नहीं, आप हमारे सब्सक्राइबर हो, हम वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, नौ बार, दस बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार, 14 बार, 15 बार, 16 बार, 17 बार, 18 बार, 19 बार, 20 बार बताते रहेंगे भाई। जब तक हमारी इस वीडियो को आप देखोगे तब तक बता रहे हैं हम पीछे हटने वाले में से नहीं है। आपके लिए मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, इतने सारे रिसर्च करेंगे कि भाई आपको एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट देंगे। तो चलिए एक बार और पिच रिपोर्ट बता देते हैं क्या जाने वाला है। आप लोग को ज्ञान देने से तो बढ़ता है भाई। तो भाई सुन लो भाई, कोयम चिन्ना स्वामी बेंगलुरु इंडिया का पिच है भाई। यह पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूलन माना जाता है। अनुकूलन का मतलब तो भाई या फिर आप स्वर्ण के समझो, या फिर बल्लेबाजों को बहुत बढ़ावा मिलता है, या फिर बल्लेबाज इस पिच पर बहुत अच्छा खासा रन बनाते हैं, या फिर बल्लेबाज जो सेट हो गया भाई रन बनाने की भाई मशीन बन जाता है, ठीक है। इतना सारा वर्ड बोला हूं, इतने सारे वर्ड को जरूरत नहीं याद करने का, बस एक वर्ड याद करना कि बल्लेबाज इस पे रन बनाते हैं। अब ये बात कर लेते हैं काली और लाल मिट्टी के पिच पर तेज गेंदबाज को अच्छा उछाल मिलता है, ठीक है। इस पिच पर काली और लाल मिट्टी को क्या होता है अच्छा उछाल मिलता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं इस पिच पर स्पिनर्स को मदद मिलता है लेकिन तेज गेंदबाज को मदद, मतलब भाई देखो पिच रिपोर्ट थोड़ा मैं गड़बड़ा जा रहा हूँ, लेकिन भाई मैं जो बोल रहा हूँ इस पिच ध्यान सुनिएगा भाई। जो ये पिच है बेंगलुरु चिन्ना स्वामी का, इस पिच पर तेज गेंदबाज को मदद मिलता है लेकिन स्पिनर्स को मदद नहीं मिलता, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर ले, यहाँ पर टॉस जीतने वाली टीम पहले क्या करती है, बॉलिंग करना करती है, सेकंड इनिंग बॉलिंग, मतलब सेकंड इनिंग चेसिंग, रन को सेकंड इनिंग में बैटिंग करना आसान रहता है, ठीक है। तो भाई ये रहा आपका पिच रिपोर्ट, आपको थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हुआ होगा तो वीडियो इधर पीछे देखना, पिच रिपोर्ट याद कर लेना, जब पर भी स्पीड और मैच खेला जाएगा आपको पता रहेगा, तब मैच करते रहोगे। और भाई अब हम बात आते हैं आपको स्कोरिंग पैटर्न के बारे में कि भाई ये जो हम चिन्ना स्वामी बेंगलुरु का पिच अभी तक इस पिच पर जो T20 मतलब सॉरी मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, टेस्ट मैच कितने खेले गए, तो भाई देखो अभी तक इस पिच पर टोटल मैच टेस्ट के 25 खेले गए, जिसमें से बैटिंग करने वाली टीम ने 10 बार मैच को जीता हुआ और बॉलिंग करने वाली टीम ने मैच को 5 बार, और जो आपके 10 और 5 तो 15, लेकिन 10 मैच ऐसे रहे इस पिच पर जो है डरा हो गए, मतलब कोई नहीं जीता, तो मिला जुला इस पिच पर आपको 25% डरा होने के भी चांसेस है, ठीक। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फर्स्ट इनिंग स्कोर, जो भी टीम पहले इनिंग में बैटिंग करे चाहे इंडिया हो या फिर न्यूजीलैंड, अगर खास करके अगर आज के मैच में इंडिया बैटिंग करेगी तो लगभग आप 300 के ऊपर स्कोर करोगे, लेकिन यहीं पे न्यूजीलैंड करेगी तो लगभग आप 250-200 के स्कोर आपको देखने को मिलेंगे फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते समय। अब वहीं पे बात कर लेते टू एंड इनिंग स्कोर की, मतलब जो टीम दूसरी इनिंग बैटिंग करने आती है वह लगभग कितने रन स्कोर बनाती है, मतलब भाई यहाँ पे देखो पहली इनिंग में तो आपको 300-350 दिखेंगे, वहीं पे सेकंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करने आती है लगभग स्पीड पर आपको 300 बनाती है, मतलब मिला जुला की स्पीड पर भाई बल्लेबाजों के लिए एकदम ताबड़तोड़ रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते इस पिच का सबसे हाईएस्ट स्कोर कितना रहा भाई, यहाँ पे देखो 626 रन पे 10 विकेट, भाई देखो हाईएस्ट स्कोर की बात कर रहा हूँ 626 रन पे 10 विकेट। अब बात कर लेते लोवेस्ट टोटल इस पिच के, सबसे लोवेस्ट और सबसे घटिया स्कोर कितना रहा, 103 रन पे 10 विकेट, मतलब हाईएस्ट आपको 500 के ऊपर, लोवेस्ट से लोवेस्ट 100 के नीचे, मिला जुला के ये आपको जो रहने वाली है स्कोरिंग पैटर्न रहने वाली है। अब हम आपको बताते हैं एंड टू एंड मैच रिकॉर्ड के बारे में कि भाई आज के मैच में आपको कौन सी टीम कितनी बार मैच को जीता हुआ, कौन सी टीम कितनी बार मैच को हारा हुआ, इसके बारे में आप ध्यान सुनना आपको बहुत काम करेगा। भाई यहाँ पे देखो इंडिया ने अभी तक 22 बार मैच को जीता हुआ, वहीं पर भाई न्यूजीलैंड ने 13 बार, मिला जुला के टेस्ट मैच का आंकड़ा, तो इंडिया का ज्यादा पड़ रहा भारी रहने वाला। अब हम आपको बताते हैं किसके बारे में सब कुछ जानने के बाद, तो भाई आपको ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आज के मैच में ड्रीम इलेवन पर विनिंग पोजीशन क्या, ड्रीम इलेवन पे कैसे जीत सकते हो। तो भाई यहाँ पे देखना इंडिया लुक मोर स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू न्यूजीलैंड कॉम्बिनेशन 7-4-4 बाय इंडिया, मतलब भाई मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई आज के मैच में जो भी आप टीम बनाओगे 7-4 का कॉम्बिनेशन करोगे, 7 प्लेयर आपके इंडिया के, 4 प्लेयर आपके न्यूजीलैंड के, हमने बताया आपको जो ही करिएगा पैसा कमा के राजा हो जाओगे, राजा नहीं तो भाई तुम मौज काट लोगे, मौज नहीं काटोगे तो भाई चिल तो कर ही लोगे, ठीक है। तो भाई इतना रहा तो भाई एक टीम बनाना। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, प्लेयर प्रेडिक्शन बैटर इंडिया के बैटर के बारे में कि भाई आज की मैच में इंडिया का कौन सा बैटर है जो मेरे प्रेडिक्शन मेरे अनुसार आज की मैच में कौन सा बल्लेबाज है जो रन मराएगा और कौन बल्लेबाज रन नहीं मराएगा, तो भाई ऑफिशियल मेरी प्रेडिक्शन है, ये मेरे सब्सक्राइबर लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको बताते हैं रोहित शर्मा आज की मैच में चाहे फर्स्ट इनिंग बैटिंग करे चाहे सेकंड इनिंग, आज की मैच में आपको दोनों इनिंग में बैटिंग करते हुए रन मराएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं विराट कोहली आज की मैच में फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते समय 25 रन से नॉट, लेकिन सेकंड इनिंग बैटिंग करते समय 25 रन से आप यस कर सकते हो। अब यहीं पे बात कर लेते हैं रविंदर जडेजा आज के मैच में आपको दोनों इनिंग में मस्ट अप या फिर ट्रम्प कार्ड रहने वाला है, आप दोनों इनिंग में 25 रन से आप यस करके पैसे कमा सकते हो। अब यहीं पे बात कर लेते हैं बॉलर जसप्रीत बुमराह आज के मैच में कितना रन बनाया, मतलब कितना विकेट लेना, आज के मैच में 2 या 3 विकेट तो भाई फर्स्ट इनिंग में लेने वाला और सेकंड इनिंग में भी आपको ले
लेते हो दिखेगा, मतलब आज के मैच में इंडिया की तरफ से बुमराह आज के मैच में आपको विकेट टेकर दिखेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं प्लेयर प्रेडिक्शन बैटर न्यूजीलैंड के बैटर के बारे में कि भाई आज के मैच में कौन सा न्यूजीलैंड का बैटर है जो कि आज के मैच में रन बनाते हो दिखेगा, कौन से बैटर रन नहीं बनाते हो दिखेगा। तो भाई यहाँ पे सुन लो, केन विलियमसन पे आप दोनों इनिंग में 25 रन सेशन नियत करके पैसा या फिर अच्छे मोटा माल छाप सकते हो। अब यहाँ पे बात कर लेते भाई दर्द को टॉम लेथन आज के मैच में फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते नॉट, लेकिन सेकंड इनिंग बैटिंग करते समय आप 25 रन सेशन आप यस करके पैसे कमाओगे। अब यहाँ पे बात कर लेते भाई मिचेल मार, मतलब मिचेल भाई देखो मिचेल ठीक है, मिचेल ताबड़तोड़ भाई देखो इस बंदे को आज के मैच में बोलूंगा दोनों इनिंग में आपको रन बना सकता है। ऑब्वियसली मैं बता दू इस पिच पर अगर अच्छा उछाल हुआ ताबड़तोड़ बल्लेबाजों को मदद हुआ तो ऐसे वैसे पिचों पे मिचेल भाई जो रन कन्फर्म बनाते हैं ठीक है। अब हम आपको बताते हैं न्यूजीलैंड के बॉलर के बारे में कि भाई आज के मैच न्यूजीलैंड का कौन सा बॉलर जो कि भाई आज के मैच में आपको 2 या 3 विकेट लेता हुआ दिखेगा। तो भाई टीम सऊदी आज के मैच में आपको 2 या 3 विकेट लेते हुए देख सकता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं द बेस्ट चॉइस कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में कि भाई आज टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच में मेरे प्रेडिक्शन मेरे जो पूरी एनालिटिक्स करने के बाद आज के मैच में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे जरूरी कौन रहने वाला है आज के मैच में द बेस्ट चॉइस कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में। तो भाई सुन लो, ये अभी तक वीडियो देखे नहीं देखो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो 5 प्लेयर बता दूंगा आपकी टीम में रहना चाहिए, ऑब्वियसली ये ड्रीम टीम के हिस्से हैं। नाम सुन लो इन 5 प्लेयर के, रोहित शर्मा, विराट कोहली, आर अश्विन, टॉम लेथन, केन विलियमसन। भाई ये 5 प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं बता दूं किसको वाइस कैप्टन करना, आपने अगर पिच रिपोर्ट जाना होगा, स्कोरिंग पैटर्न जाना होगा, हमने आपको क्या कैसा बताया, अगर आप सबने यहाँ तक वीडियो देखा आया तो आपको भाई तो आंख बंद करके पता चलेगा भाई किसको कैप्टन करना है किसको वाइस कैप्टन करना। तो भाई आज के मैच में आप क्या कर सकते हो, रविंदर जडेजा को वाइस कैप्टन आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन भाई विराट कोहली रोहित शर्मा को आप एक जनी को कैप्टन कर सकते हो, ऐसे पिच पे ये लंबा परफॉर्मेंस करते हुए दिख सकते हैं। खास करके आज के बता दूं केन विलियमसन सेफ रहने वाला, लेकिन मैं बता दूं केन विलियमसन ज्यादा उम्मीद ना करना, लेकिन भाई मेरे प्रेडिक्शन मेरे रिसर्च के अनुसार मुझे तो यही लगता है केन विलियमसन आज के मैच में वाइस कैप्टन और विराट कोहली कैप्टन रहने वाले ठीक है। तो वैसे मैं बोलूंगा विराट कोहली कुछ ऐसा परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन विराट कोहली अपने ये जो विराट कोहली भाई एम चिन्ना स्वामी बेंगलुरु इंडिया भाई इनके खुद का ग्राउंड है, तो भाई आज के मैच में आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी दे सकते हैं। तो मिला जुला के रोहित शर्मा मतलब विराट कोहली आज के मैच में कैप्टन, वाइस कैप्टन केन विलियमसन, अगर आपको सेफ जाना तो रविंदर जडेजा के साथ जाओ, लेकिन आज के मैच में रोहित शर्मा सॉरी विराट कोहली कैप्टन वाइस कैप्टन केन विलियमसन। अब यहीं पे बात कर लेते हैं मोटा मोटा बात आपको बता देता हूँ कि भाई आज के मैच में जो है न्यूजीलैंड जो है टॉस जीतेगी और भाई आज के मैच में इंडिया ये मैच जीतने वाली है, मतलब ये फर्स्ट टेस्ट मैच आपकी इंडिया जीतने वाली। तो भाई देखो इतना सारा नॉलेज इतना सारा ज्ञान मैं आपको इसलिए दिया हूँ कि भाई आप किसी का भी टीम कॉपी मत करो, इतना सारा नॉलेज ज्ञान लेने से मतलब है कि भाई आप अपने से खुद से आप अच्छी से टीम बना सकते हो। इतना मैंने आपकी हेल्प किया, क्या क्या हेल्प किया, प्लेइंग 11 बताया हूँ, पिच रिपोर्ट बताऊँ, हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड बताऊंगा, प्लेयर प्रेडिक्शन बताया हूँ, कैप्टन वाइस कैप्टन या फिर टॉस या टॉस कौन जीतेगा यहाँ तक ये भी बताया हूँ। तो मिला जुला कितना सारा नॉलेज ज्ञान आपके लिए बहुत है, अगर आप इनमें से मैं बोलूंगा भाई देखो ऐसा तो नहीं हमने बाकी सब चीज सही बताया, कुछ चीज गलत भी होंगी, तो भाई आपको गलत चीज को छोड़ देना, हमारी वीडियो में रहने देना, आपको जो हमारी अच्छी चीज आप उसमें से लेना है, वो चाहे मेरी एक्टिंग हो, मेरे प्रेडिक्शन हो, मेरे टिक्स हो, मेरे पिच रिपोर्ट बताने का, मेरी प्लेइंग 11 टीम न्यूज बताने का, प्लेयर के बारे में बताने का, टॉस या मैच बताने का, जो भी हो आप उसमें से कुछ भी अगर एक चीज अपने आप पे अप्लाई करते हो भाई आज के मैच में पैसे कमाने वाले हो। भाई देखो हर बात मैं बोलूंगा मोटिवेशन मिलता है पैसा बोलने से, हर बार अगर मैं बोलूंगा पैसा पैसा तो आपके अंदर भी एक लालच आएगा, लालच नहीं बोलूंगा मोटिवेशन आगे भाई पैसा पैसा बोलने से नहीं करने से आएगा, हम अगर मेहनत करेंगे अच्छी से टीम बनाएंगे तो पैसा आएगा। तो मिला जुला यही सब नॉलेज था, तो चलिए आज की वीडियो को इजाजत दीजिए कि अब हम नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करें और आज की वीडियो को रखता हूं यहीं तक, मिलता हूं नए वीडियो के नए ताबड़तोड़ फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू और टेक केयर। और हाँ भाई वीडियो को एक बार शेयर कर देना भाई अपने दोस्त यार को जो फैंटेसी से रिलेटेड है। चलो लव यू और टेक केयर, बाय बाय।